भारत रत्न संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दीक्षा भूमि नागपुर महाराष्ट्र में अपने लाखों समर्थकों के साथ उन्होंने बुद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की। उसके पश्चात डॉक्टर बाबा साहब के अनुयायी धम्म चक्र परिवर्तन दिवस के रूप प्रतिवर्ष मनाया करते। बालाघाट जिले के अंतर्गत कटंगी जनपद की ग्राम पंचायत उमरी में स्थित बुद्ध भूमि में प्रतिवर्ष देश विदेश के पूजनीय संतों की उपस्थिति से कटंगी क्षेत्र की धरा गौरवान्वित हो चुकी है। क्षेत्रवासियों को आशीर्वाद वचन का लाभ भी प्राप्त हुआ। उद्यमिता विकास समिति उमरी के अध्यक्ष नथुला मेशराम, उनके पुत्र सुपुत्र इंजीनियर प्रशांत मेशराम समाज के द्वारा आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका हुआ करती थी। कोविड 19 के कारण शासन प्रशासन द्वारा जारी निर्देश का पालन करते हुए आयोजन समिति ने संक्षिप्त में आयोजन किया। पूज्य भंते की गरिमामयी उपस्थिति। धम्म चक्र परिवर्तन दिवस के पावन बेला पर पूज्य भंते की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित समारोह में उद्यमिता ग्रामीण विकास समिति अध्यक्ष नथुलाल जी मेशराम, समाज सेवी इंजीनियर प्रशांत मेशराम, भीम प्रकाश मेशराम, सचिन मेशराम, कपिल नागदेव, भीम बोरकर, सुरेंद्र गजभिये, सुरेंद्र रंगारी, नीलेश बोध, काफी संख्याओं समाज सेवा के महिला पुरुष ने शिरकत की। पूज्य भंते जी सभी उपस्थित जन ने सर्वप्रथम भगवान गौतम बुद्ध डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। दानवीर मेशराम परिवार की सामाजिक एक और पहल। दानवीर उद्यमिता ग्रामीण विकास समिति अध्यक्ष नथुलाल मेशराम, उनके सुपुत्र इंजीनियर प्रशांत मेशराम समाज सेवी एक ऐसा परिवार है जिनसे सर्व समाज के उत्थान विकास हेतु प्रतिवर्ष धम्म चक्र परिवर्तन दिवस के अवसर पर कोई ना कोई सौगात दिया करते हैं। यहाँ जरूरतमंदों की सहायता हेतु हमेशा उनके दरवाजे खुले रहते हैं। कोविड 19 के कारण यह आयोजन संक्षिप्त किया गया। प्रतिवर्ष मेशराम परिवार द्वारा चिकित्सा शिविर भी आयोजित किए जाते थे जिसमें बड़े बड़े शहरों के नामी डॉक्टर शिविर में पहुंचकर क्षेत्रवासियों को निशुल्क चिकित्सा लाभ दिया करते थे। इस वर्ष यह आयोजन नहीं हो सका। डेड बॉडी फ्रीजर, एम्बुलेंस, स्कूलों में फर्नीचर, कंप्यूटर, ऐसी अनेक जरूरत सामग्री परिवार द्वारा प्रदान किया। यहाँ तक लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद परिवार को राशन सामग्रियों का वितरण किया गया। ऐसी कई उपलब्धि मेशराम परिवार की सामाजिक हित में है। इस वर्ष दानवीर में मेशराम परिवार ने सेन समाज की सामाजिक महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उद्यमिता विकास समिति के द्वारा 10 सिलाई मशीन उपलब्ध कराई गई। सेन समाज ने मेशराम परिवार के प्रति आभार व्यक्त किया है। स्मरण रहे कि सेन भवन सिलाई सेंटर की शुरुआत होने से महिला सिलाई परीक्षण प्राप्त कर सकेंगी।